हेलो दोस्तों, मैं हूँ ममता। कुक विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं काले चने से बहुत ही टेस्टी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एकदम यूनिक रेसिपी है, आपने अभी तक इसे बनाया नहीं होगा। इसे आप सुबह की भागदौड़ में झटपट तैयार कर सकते हैं। कुछ प्रिपरेशन आप रात में भी करके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं काले चने और ब्रेड की हेल्प से इस नाश्ते को कैसे तैयार करें। तो ये नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा कप काले चने लिए थे। चनों को मैंने 2 कप पानी में भिगा कर रखा था। इसे आप 6-7 घंटे तक भिगा सकते हैं या ओवरनाइट भी भिगा कर रख सकते हैं। चने सोख होकर 1 कप हो गए थे और ये चने देखिए बॉयल हो गए हैं। इन चनों को मैंने पानी सहित कुकर में डाल दिया। थोड़ा पानी इसमें और ऐड किया। 1/4 टीस्पून नमक डाला, 1 तेजपत्ता डाला और 1 राई के दाने के बराबर इसमें सोडा ऐड किया और इसे सॉफ्ट होने तक बॉयल कर लिया। ये देखिए चने इस तरह से बॉयल हो गए हैं और ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए दबाने से एकदम दब गए हैं। अब इस तेजपात को हटा देंगे और चनों को ग्राइंड करेंगे। चने को मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है, साथ ही इसमें 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक काट कर डाल दें। थोड़ा ये चने वाला पानी ऐड करें, 1 चम्मच और डालें। ये 3 बड़े चम्मच पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे ग्राइंड कर लें। ये देखिए चने ग्राइंड हो गए हैं और इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है। ये पेस्ट को मैंने बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डालें, थोड़ा काली मिर्च पाउडर डालें, 1/2 चम्मच नींबू का रस डालें, थोड़ा हरा धनिया ऐड करें। इसको मिक्स कर लें। गैस की लो फ्लेम पर मैंने 1 नॉन स्टिकिंग तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हम 1 ब्रेड स्लाइस लेंगे और इस पर इस पेस्ट को स्प्रेड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस पर पेस्ट लगा दें, अच्छी तरह से चारों तरफ फैला दें। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इस पर थोड़ी मोटी या पतली लेयर लगा सकते हैं। इस तरह से दूसरे स्लाइस पर भी लगाएं। ये देखिए सभी स्लाइसेस पर मैंने ये पेस्ट स्प्रेड कर दिया है। आइए अब इन्हें तवे पर सेकेंगे। तवा थोड़ा गर्म हो गया है। अब क्योंकि हमें इस पे 4 स्लाइस डालने हैं, इसलिए हम 4 जगह इस पर ऑयल डालेंगे। 1/2 टीस्पून ऑयल इस पर डालें, फ्लेम हम हाई कर दें और ये स्लाइस इस पर रख दें। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 4 स्लाइसेस इस पर रख दिए हैं। देर इसी तरह से सिकने दें, थोड़ा इसे प्रेस करते हुए सेकें। थोड़ा तवे की डायरेक्शन को चेंज करें, इससे ये चारों तरफ से समान रूप से सिकेगा। और इसे थोड़ी देर इसी तरह आराम से सिकने दें। अभी हमें इन्हें पलटना नहीं है। स्लाइस की डायरेक्शन चेंज कर दें। बीच में थोड़ा ऑयल इसमें डालें। जरूरत के हिसाब से आप इसमें ऑयल डालकर सेकें। वैसे तो ये ऐसे भी सिक सकते हैं, बस इसी तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसे सेक लें। इस स्लाइसेस को एक बार पलट कर देखें। ये देखिए कितना अच्छा कलर इनका आया है। अब इस पर थोड़ा ऑयल और डालेंगे। एक बार इसे फिर से पलट कर सेकें। काफी अच्छे से ये सिक गए हैं। अब इस साइड पर थोड़ा बटर लगाएंगे। इसी तरह से बाकी के स्लाइसेस पर भी बटर अप्लाई करें। बटर से इसका टेस्ट काफी एनहांस होता है। सभी स्लाइसेस पे मैंने बटर अप्लाई कर दिया है। अब इसको पलट कर सेकेंगे। इसको इस तरह से पलट कर देखें। ये देखिए कितना अच्छे से ये सिक गया है। सभी टोस्ट कितनी अच्छी तरह से सिक गए हैं। बस अब फ्लेम को ऑफ कर दें। स्लाइसेस को मैंने तवे से हटा लिया है। यहाँ मैंने 1 छोटी साइज का अनियन लेकर इसे पानी में डाला है। इसको पानी में वॉश कर लेंगे और इसका पानी छान देंगे। ऐसा करने से क्या है, प्याज का थोड़ा चरपरापन कम हो जाता है। बस इसे एक साइड में रखें। आइए अब इसको गार्निश करते हैं। ये मैंने हरे धनिये की चटनी ली है, इसे इस पर लगाएं। इसके बाद ये मैंने चीज स्प्रेड लिया है, ये इस पर डालेंगे। इसे भी थोड़ा स्प्रेड कर दें और अब इस पे केचप डालेंगे। इसको भी स्प्रेड करें। बाकी के बचे हुए हिस्से पर ये प्याज के छल्ले लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अनियन के रिंग से इन्हें गार्निश करें। ये देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, खाने में भी कहीं ज्यादा टेस्टी हैं।
आप इन्हें अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए इसका ट्राइकलर कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी नेशनल फेस्टिवल पर भी बना सकते हैं। इस तरह से बाकी के स्लाइसेस को भी गार्निश करें। इस तरह से आप इन्हें कट करके भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए चटनी वाले ट्रायंगल को अनियन ट्रायंगल पर पलटकर सर्व करें। ये देखिए हमारे बहुत ही हेल्दी ट्राइकलर सैंडविच बनकर तैयार हैं। फ्रेंड्स आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।